अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। अभी महीने का वो वक्त है जहाँ पे मैं आपके उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ जो कि आप मेरी वीडियोस पर पिछले महीने में करते हैं। तो डेफिनेटली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द कमेंट्स, इंटरेस्टिंग कमेंट्स इन फैक्ट दैट आई रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। और फाइनली मेरा एक और इरादा ये है कि कमेंट्स की इस वीडियो के आखिर में मैं हर महीने आपको ये भी ज़रूर बताया करूँ कि सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट क्या था या सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या था। एंड स्टार्टिंग टुडे आई एम गोइंग टू फॉलो इट। साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यार एक रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही होती है कि आप हमारे इस कॉमेंट का जवाब नहीं दे रहे, आप इस कॉमेंट का जवाब नहीं दे रहे, आप ये कॉमेंट अपनी वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहे। तो यार इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू इंक्लूड एवरीथिंग इन वन वीडियो। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, उसको छोटे करने में ठीक ठाक किस्म का टाइम लगता है, एफर्ट लगती है। मुझे से फ़र्क कोई नहीं पड़ता कि आपका क्वेश्चन किस किस्म का है, बट इफ़ योर कॉमेंट कंटेन्स अ क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली गेट एन आंसर फ्रॉम माई साइड। सो विद ऑल ऑफ दैट लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। इमरान अली साहब फरमाते हैं जी डोंट यू हैव एनी वर्क, पंजाबी में गए तो काम कोई नहीं तानू। यार है पर ये मेरा पैशन है। YouTube पे ये तो नहीं पता चलता कि बंदा गुस्से में था या क्या था। बहरहाल कहने का मतलब कुछ ऐसा ही है कि भाई आपको कोई काम काज नहीं है। है यार, दैट इज़ अ सैड पार्ट। टीपू वकील साहब कहते हैं जनाब मौलाना मोहम्मद अली जौहर वॉज एन इंडियन मुस्लिम एक्टिविस्ट, स्कॉलर एंड पोइट। ही वॉज वन ऑफ द मेन फिगर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ मौलाना शौकत अली। दैट इज़ सो ऑसम टीपू। मुझे नहीं पता था कि आजकल के बच्चों को इतना पता होगा, बट यू रियली सरप्राइज मी। बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर कि somebody knows who मौलाना मोहम्मद अली जौहर इज़। उबैदुर रहमान साहब ने बड़ा डिटेल किस्म का कमेंट किया है, बड़ा लंबा कमेंट किया है, एंड आई थिंक हिज कमेंट इज़ फॉर इम्प्रूविंग माय वीडियोस। आई हैव नोटेड एवरीथिंग दैट यू हैव सेड उबैद, और इंशाल्लाह मेरा इरादा यही है कि मैं इन तमाम चीज़ों को अपनी आइंदा आने वाली वीडियोज़ में इंप्लीमेंट करूँगा। सो नाइस ऑफ यू। अजीज़ साहब फरमाते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, इस वीडियो में आपने मेरे कमेंट को भी जगह दी, देखकर बेहद दिली खुशी हुई। सर मुझे किताबों से लगाव है, खुसूसन मौलाना आज़ाद साहब और शोरिश कश्मीरी साहब को बहुत शौक से पढ़ता हूँ। अल्लाह करीम आपको खुश रखे, आपने मेरी हौसला अफजाई फरमाई, जज़ाकअल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच अजीज़, मुझे आपका ये कमेंट पढ़कर भी बहुत खुशी हुई, एंड आई एम रियली सो हैप्पी कि कोई लड़का इतनी अच्छी उर्दू बोल सकता है। ऑसम। मोहम्मद जाकिर साहब फरमाते हैं डियर आर यू एन एलियन। जाकिर ऑब्वियसली आई एम नॉट यार, अगर एलियन होता तो मेरे पास सुपर पावर्स होती और सुपर पावर्स होती तो मैं बहुत कुछ करता। आई डोंट हैव दैम। बेस्ट फॉर पी के साथ फरमाते हैं जनाब दरअसल असल बात बार्स की नहीं होती, नेटवर्क की बैंडविड्थ, यूजर्स और भी बहुत से फैक्टर होते हैं। येस दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू। इट इज़ नॉट जस्ट डिपेंडेंट अपॉन द बार्स, देर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट यू नो कंट्रीब्यूट टू अ गुड स्पीड और अ बैड स्पीड, और ऑब्वियसली उसमें तमाम की तमाम चीज़ें शामिल हैं। बेस्ट फॉर पी के यू आर एब्सोल्युटली राइट। गार्डियन लेपर्ड साहब कहते हैं जी एप्पल डिजर्व्स टू बी ट्रॉल्ड डे एंड नाइट, एवरी मॉर्निंग नून एंड नाइट इन द सेम सीक्वेंस पाकिस्तानीज हैव चाय। मुझे भी मज़ा आता है ट्रॉल सीख के, ट्रॉल सुन के, ट्रॉल पढ़ के। देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, बाई ऑल मीन्स प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। हमजा शाहजे साहब फरमाते हैं जी सर जी आपके शेयर्स हैं आईफोन में, आई एम श्योर। यार शेयर्स होते ना तो मैं पूरा साल बैठ के यही काम करता जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, दैट इज़ वीडियो मेकिंग। मुझे फिर जहाज़ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, काश होते। मोहम्मद वकास खान साहब कहते हैं यू आर मेकिंग योर यूनिक ऑडियंस, कीप अप द गुड वर्क, लव यू टू वकास, थैंक यू सो मच। सैयद खयाम शाह साहब कहते हैं जी आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ एप्पल्स ऑप्टिमाइजेशंस, बट हाउ दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज द मोनोपोली ओनर्स एंड डू एज दे विल, दिस इज द ओनली थिंग दैट आई हेट। एट द सेम टाइम ये भी कहते हैं कि सैमसंग का हार्डवेयर अच्छा होता है बट देयर सॉफ्टवेयर ऑलवेज लेट्स देम डाउन। येस दैट इज एक्चुअली ट्रू। अगर आप गौर करें तो सैमसंग का जो हार्डवेयर है दैट इज़ एक्चुअली बेटर देन द आईफोन्स, बट द आईफोन्स आर सो ऑप्टिमाइज्ड कि वो हमेशा सैमसंग से बेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट इज़ ट्रू। सो मोहम्मद शहीद साहब कहते हैं जी एप्पल माई 12 मेगापिक्सल कैमरा इज़ बेटर देन शियोमीज़ 108 मेगापिक्सल कैमरा। ओ भाई मुझे नहीं यार, इट इज़ एक्चुअली ट्रू। द क्वालिटी डिज़ नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन पिक्सल्स, अगर ऐसी ही बात होती तो ये 24 मेगापिक्सल का कैमरा इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाता, बट इट डज। एरी एलेक्सा 1.5 करोड़ का कैमरा है, उसके मेगापिक्सल आपको पता है कितने हैं? सिर्फ 18 मेगापिक्सल ओनली। सो मेगापिक्सल इज़ नॉट द होल स्टोरी। अवैस मलिक साहब कहते हैं जनाब भाई मैं एक महीने बाद आया हूँ यूट्यूब के ऊपर क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। यार हमारी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतियाब करे, आपको शिफाए कामला नसीब फरमाए और आपको सेहत अता करे। सो वेलकम बैक टू यूट्यूब एंड आई होप यू विल बी इन गुड स्पिरिट्स नाउ। PKMKB फरमाते हैं जी वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर सर, यू आर ग्रेट, लव फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच PKMB, लव फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल, बहुत शुक्रिया। आदित्य मशाल साहब फरमाते हैं जी आई एम फ्रॉम इंडिया बट यू आर एन इंस्पिरेशन टू मी एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच डियर आदित्य फॉर लाइकिंग माई चैनल, एंड आई रियली होप के आई कीप ऑन प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी कॉन्टेंट। लेट्स सी। राहुल रॉय साहब फरमाते हैं ग्रेट जर्नी सर, लव फ्रॉम इंडिया। राहुल थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो, लव फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल माई डियर। ईसा भट्ट साहब कहते हैं फेलियर इज नथिंग, इट्स ओन ह्यूमन परसेप्शन, फेलियर एंड सक्सेस no one can describe in this world and the parameters do not exist in this world, only run and run with the invisible parameters and it is just a big examination hall, nothing else. Zahid saab
this is actually true, 100%. Life, it's a journey. It's a journey from childhood to death. और दरमियान में आप जो काम करते हैं आपके सिर्फ वो काम जिंदा रहते हैं, वरना जो भी इस दुनिया में आया है उसने जाना तो है. So it is definitely a journey. Always sporty साहब कहते हैं जी, career growth के साथ साथ captain ने weight भी gain किया है. हाँ यार, unfortunately I did. मोहम्मद शहीर साहब फरमाते हैं जी, sorry but journey from captain to YouTuber, welcome in advance. Yes, I'm really happy being on the YouTube because this is one thing that I love doing. ये पहला वो मेरे ख्याल में जिंदगी का मेरा वो काम है जो कि मुझे खुद करने में मज़ा आ रहा है. सुदेश पा साहब फरमाते हैं यार, इन्होंने लिखा पूरा हिंदी में, इसलिए मुझे पढ़ने में टाइम लग गया है क्योंकि हिंदी में पढ़ सकता तो हूँ लेकिन मेरी स्पीड इतनी तेज़ नहीं है. इस वीडियो को बनाने में आपकी जो मेहनत लगी है उसको मैं समझ सकता हूँ और आपकी उस मेहनत को और इस वीडियो को सलाम अर्ज़ करता हूँ. थैंक यू वेरी मच सुदेश पाल, मेरे बड़े पुराने सब्सक्राइबर हैं, ऑलमोस्ट हर वीडियो के नीचे कॉमेंट करते हैं. थैंक यू सो मच. MHP साहब फरमाते हैं जी, ग्रेट वीडियो, ग्रेट जर्नी, ग्रेट पर्सन, होपिंग फॉर द टाइम टू कम सूनर व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू रीड एंड रिस्पॉन्ड एवरी single comment. You know what I mean? I exactly know what you mean, my dear. And I'm still trying my best to cope up. अभी तक तो cope up कर रहा हूँ, आगे का पता नहीं है. मोहसिन शहजाद साहब कहते हैं जी, गुड आफ्टरनून सर जी, आपकी वीडियोज़ रेगुलर देखता हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छी भी होती हैं. बेसिकली इन्होंने अपने इस पूरे कॉमेंट में मुझे सजेस्ट ये करने की कोशिश की है कि आई शुड कीप ऑन मेकिंग वीडियोज़ ऑन हिस्टोरिकल टॉपिक्स. एंड येस, बाई ऑल मीन्स आई रियली इंटेंड टू, बिकॉज दैट इज़ वट ऑरेंज शॉर्ट्स इज ऑल अबाउट. जो दिल करता है मैं उस चैनल पर बनाता हूँ, जो दिल करता है मैं उस चैनल पर आपको दिखाता हूँ. अकील चौधरी साहब कहते हैं, सर आई एम प्रीटी श्योर कि अगर मारिया की जगह कोई लड़का होता तो बात TCS तक नहीं थी जानी. I don't know यार. Genius Loser साहब फरमाते हैं जनाब, please don't share your bank details with anyone. Yes, Genius Loser, you are perfectly fine and you are perfectly right when you say all of that. और of course हमें अपनी bank details किसी के साथ share नहीं करनी चाहिए. दिव्येश टंडेल साहब कहते हैं जी, hi sir, केम छो, I think it is Gujarati. और गुजराती में शायद कहते हैं मजा वहाँ. तो मैंने वही लिख दिया उसके नीचे. द मैकेनिक 2K1 गेमिंग हैज़ ऑल्सो रिटन अ वेरी गुड कॉमेंट. और ये सिर्फ इनका कॉमेंट नहीं है, इस तरह के मुझे कई कॉमेंट्स और आए हैं. दिस वॉज बेसिकली, दिस कॉमेंट वॉज देयर ऑन द वीडियो जो कि मैंने अपने स्कैम की अपलोड की थी, जिसमें मुझे स्कैम करने की कोशिश की गई थी फॉर एन iPad एंड द एप्पल पेंसिल एंड ऑल दो स्टफ. तो येस, आई एग्री टू ऑल ऑफ दैट. दिस वॉज जस्ट वन काइंड ऑफ अ स्कैम. आजकल व्हाट्सअप का स्कैम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ईजी पैसा का स्कैम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है. और साथ ही साथ मैंने लोगों से ये रिक्वेस्ट भी की थी कि आपको जो जो स्कैम्स हुए हैं, इफ़ यू हैव फेस्ड एनी, प्लीज़ सेंड मी ऑल द डिटेल्स ऑन ईमेल. आई वॉन्ट टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. मुझे डिटेल्स ईमेल के ऊपर काफ़ी सारी मिल चुकी हैं. एंड येस, आई डू प्लान टू कवर ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन वन सेपरेट वीडियो. अगर कोई कबाहत ना हो तो यूट्यूब चैनल लॉन्च करने के माली फवायद क्या हैं, इस पर भी वक्त मैसर हो तो वीडियो ज़रूर बनाइएगा. This is an absolutely great topic and I do intend to make a video on this topic. And for what it's worth, ये आप लोगों के लिए बहुत helpful साबित हो सकता है. Especially for those people who want to earn money from YouTube, there is no harm in doing all of that. So, yes, sure, why not? Mr. Krishna साहब फरमाते हैं जी, सर आपकी सैलरी कितनी है? यार मर्दों से उनकी सैलरी नहीं पूछते, जिस तरह औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछते. अब यार ये तगलोग जुबान में कॉमेंट आ गया, मैं इसका क्या जवाब दूँ? मैंने खाली इसके नीचे हार्ट बना के भेज दिया है एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड फ्रॉम दिस मैसेज. मुझे फिलिपिनो जुबान नहीं आती. अब्दुल गनी मिनहा साहब का मैसेज आया है, मैसेज लंबा है और इनमें सारी की सारी बेसिकली सजेशंस ही हैं एंड ऑल ऑफ दो सजेशंस आर इंपॉर्टेंट, लेकिन इनकी एक सजेशन काफ़ी अहम थी. और सजेशन ये थी कि इन सम वीडियो यू टोल्ड दैट ड्यूरिंग सेलिंग यू हैव डिफरेंट कंट्रीज क्रू मेंबर्स, प्लीज़ शो हाउ यू लिव विद ईच अदर. येस डेफिनेटली, इंशाल्लाह इस बार मैं जाऊँगा. तो मेरा ऑलरेडी ये इरादा है कि मैं इस मौजू के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ. इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. इन तमाम कॉमेंट्स के अलावा मापनाम साहब ने ये कॉमेंट किया कि सर जी लव योर वीडियोज़ से नाल सानू भी टाइम दिया करो. अगेन ही मेंट के इनका कॉमेंट भी शामिल होना चाहिए, तो आपका कॉमेंट आज की वीडियो में शामिल है. नन ऑफ माई कॉमेंट्स वॉज इन दिस वीडियो. अगेन डॉग स्पीक्स, योर कॉमेंट इज देयर. लव यू सर. टिक्का ट्रेंड फॉर यू वाला, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम हम फॉर यू कॉमेंट में आएंगे. खुश रहें, आबाद रहें. ऐसा नाती आपका कॉमेंट आ गया लाले. और यार इस महीने का जो सबसे इंटरेस्टिंग कॉमेंट और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोनों मिला के एक ही चीज़ मुझे थे, वो एक ही था, डोंट यू हैव एनी वर्क, तानू कोई कम नहीं. योर कॉमेंट इज पिक्ड फॉर द कॉमेंट ऑफ द मंथ. तो जनाब ये थी आज की वीडियो. खुश रहें, आबाद रहें. अल्लाह पाक आप सबको सेहतमंद रखे, आपकी फैमिली को, तमाम अफराद को इस मौजूदा बीमारी से महफूज रखे, आप सबको खुश रखे, आप सबको आबाद रखे. अपने लिए दुआएं कीजिएगा, मेरे लिए दुआएं कीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए दुआएं कीजिएगा. इंटरेस्टिंग कॉमेंट्स करते रहिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते रहिए. आपके जो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे वो अगले मंथ की वीडियो में आएंगे. सो प्लीज़ मेक सम इंटरेस्टिंग कॉमेंट और आस्क सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई एम ऑल ईयर्स टू ऑल ऑफ यू. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. विद टन्स ऑफ लव टू ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज़ मी जाहिद निसार. आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स. अगली वीडियो तक.
अल्लाह हाफिज़।